नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच दिल्ली में करीब एक घंटे तक जो मुलाकात हुई उसमें मुद्दे क्या थे। दरअसल कमलनाथ दिल्ली में राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, लेकिन अब उन्होंने मुलाकात की है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी से। अब इस मुलाकात के पीछे कई सारे मकसद थे। मकसद था मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के और लोकसभा के जो उपचुनाव होने हैं उस पर बातचीत करना। इस बैठक में मुख्य रूप से जो मुद्दा था वो था मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्थितियां बनी हैं वो क्या है, उन पर कैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती है उस पर बात करना। किसान से जुड़े हुए जो कानून है उस पर कांग्रेस किस तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो इसको घेर करके उनका निशाना बनाते हुए किसानों के बीच में जाए, इस पर भी बात हुई। और इसके अलावा तमाम ऐसे दूसरे मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे, संगठन से जुड़े हुए मसले। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी से कमलनाथ ने करीब एक घंटे तक दिल्ली में मुलाकात की। दरअसल ये मुलाकात पहले से तय थी, प्रस्तावित थी। कमलनाथ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दूसरी तरफ विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लंबे समय से ये बात चल रही है कि कमलनाथ को कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है संगठन में। इसलिए सवाल है कि क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पद छोड़ेंगे या फिर इनमें से कोई एक पद अपने पास रखेंगे। फिलहाल वो कौन सा पद होगा या फिर वो दोनों पद छोड़ेंगे ये अभी साफ नहीं है। लंबे समय से बात ही हो रही है, जब से कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो वो जब से मध्य प्रदेश आए हैं तब से लगातार कांग्रेस के बने हुए हैं। अब दूसरी तरफ जो बात आई है निकल के वो ये कि अगर कमलनाथ यहाँ से जाते भी हैं दिल्ली संगठन में जिम्मेदारी निभाने तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि कमलनाथ के पास लंबा अनुभव है और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं और उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की है कि कमलनाथ भोपाल में ही रहें और यहीं रहकर वो कांग्रेस को मजबूती से उसका नेतृत्व करें, ताकि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हो तो कांग्रेस ना केवल कड़ी टक्कर दे भाजपा को बल्कि उसे पटकनी भी दे, जैसे उसने 2018 में दी थी। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की इन चारों सीटों पर कौन से संभावित उम्मीदवार हैं उस पर भी कमलनाथ से बात की है। उनसे पूछा गया है कि कांग्रेस के कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इन सीटों पर यदि उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है या फिर वो हार भी सकती है। इस पर लंबी बातचीत हुई है राहुल गांधी से। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक एक प्रमुख मुद्दा जो है इस बैठक का वो यही उपचुनाव और विधानसभा लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव थे। इसके अलावा कमलनाथ ने अपनी तरफ से जो बातें बताई हैं राहुल गांधी को उसमें यह बताया गया है कि कैसे कांग्रेस संगठन यहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है, फिर भले ही वो कृषि कानूनों से जुड़े हुई मुद्दे हों। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र जिसे जल्दी खत्म कर दिया गया, कोरोना में जो लापरवाही के आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है वो हो, या फिर हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में जो बाढ़ आई थी उसकी बात हो, इन तमाम मसलों पर कांग्रेस ने किस तरीके से शिवराज सरकार को घेरने का काम किया है, कैसे संगठन ने अपने आप को मजबूती से यहां पर लगातार झोंक के रखा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, और हाल ही में जो यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ था, ये तमाम बातें कमलनाथ ने राहुल गांधी के सामने रखी। अब देखना यह है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी से करीब एक घंटे तक हुई इस मुलाकात के नतीजे मध्य प्रदेश कांग्रेस में किस तरह से देखने को मिलते हैं।